हाय एवरीवन, यू मस्ट बी थिंकिंग मैं आज अपनी किचन में क्या कर रही हूँ। इट्स लेट इन द इवनिंग और मैंने दिन से खाना नहीं खाया है। मैंने अभी बस थोड़ी सी सेव पूरी खाई थी और मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो भूख लग रही है उसका कुछ निदान करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी फेवरेट डिश बनाऊँ। मेरी तो बहुत सारी फेवरेट डिशेज हैं, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है खाने में, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स है मशरूम चिली। तो वो मैंने ना यूट्यूब वीडियोस देख देख कर ही थोड़ा बहुत सीख लिया, क्योंकि मुझे बाहर का मशरूम चिली बहुत अच्छा लगता है, बट वो बाहर के ऑयल्स वगैरह से बना होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं मशरूम ले आती हूँ, वेजीज भी होती हैं, उन सबको कट वट करती हूँ और खुद ही बना लेती हूँ, और उसको फिर राइस के साथ या अलग से खाती हूँ। तो अभी मैं वही बनाती हूँ एंड आई विल शो यू द होल प्रोसेस। और अगर आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, इट्स वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू टेक ऑल द वेजिटेबल्स, उनको थोड़ा थोड़ा सॉटे करना होता है और तीन चार चीजें मसाले वसाले डालने होते हैं। आई विल जस्ट शो यू द होल प्रोसेस और उसके बाद मैं थोड़ा पेट पूजा करूंगी। ये है वो मशरूम, बहुत ही मैले हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा धो के और हाफ हाफ पीसेस में काट के फिर हम इनकी मशरूम चिली बनाएंगे। दिस रेसिपी कैन नॉट कम इन माई किचन स्टोरीज, क्योंकि मैंने ये पहले भी बना रखी है और मैंने इतनी बार खाई है, ये दो तीन बार खा चुकी हूँ मैं। तो हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ना पक्की हो गई हूँ और इसमें मैदा भी डलता है, कॉर्नफ्लावर भी डलता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ वेजीज को सॉटे करूँगी और मसालों वगैरह के साथ बनाऊँगी ताकि ये थोड़ा हेल्दी भी रहे। इसमें लगेगा एक प्याज, एक मुट्ठी भर लहसुन, थोड़ा सा अदरक, एक दो मिर्ची डालना चाहो तो डाल सकते हो, हरी मिर्च, और ये है शिमला मिर्च, जो कि हम ये 1.5 शिमला मिर्च है जिसको हम काटेंगे और बड़े बड़े पीसेस करेंगे इसके। और मैंने इतना मशरूम लिया है, मैं ज़्यादा भी ले सकती थी बट देन मुझे थोड़ा सा ही बनाना है, तो हम अभी नहीं काट लेते हैं। मेरे लिए चाय भी बन गई है तो मैं चाय निकाल लेती हूँ और खाना बनाते बनाते जरा चाय पी जाएगी। हमारी चाय everything I need is here. Now I will start making mushroom chili. एक पैन लिया, अगर वॉक है तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत हीट हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से पकता है, बट कोई भी नॉन स्टिक पैन भी चलेगा। तो हमने ये पैन लिया, उसमें हमने तेल डाला, एक टेबलस्पून तेल डाला, कितना उसको गर्म होने दिया, और फिर ये जो छोटे छोटे गार्लिक के पीसेस हैं ये हम उसमें डाल देंगे, थोड़ा फ्राई होने देंगे अच्छे से। अब क्योंकि हमने मशरूम को बिल्कुल पकाया ही नहीं है तो हम सीधे इसी स्टेज पे मशरूम भी डाल देंगे। वेरी गुड अरोमा इज कमिंग, बहुत खुशबू आ रही है, खुशबू बहुत आ रही है, बट इससे थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि हाथ वाथ जल सकता है, चोट लग सकती है।
we'll have tea. सबसे पहले ऑयल में गार्लिक डाला, थोड़ा सा जिंजर डाला अगर आपको डालना हो तो, और उसे आधे मिनट के लिए सॉटे किया. उसके बाद मशरूम डाला, उसे एक मिनट के लिए सॉटे किया. फिर हम डालेंगे अपनी बाकी की वेजीज, जो कि है अगर बेल पेपर्स होते तो वो बेल पेपर्स होते येलो और रेड, अदरवाइज ये ग्रीन बेल पेपर्स के साथ डिफरेंट डाल दिया. इसको जलने मत देना. Just keep an eye on it. तो हाँ, ग्रीन एक कैप्सिकम और अनियन भी अंदर जाएगा. और देर के लिए इसे पकने देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ कॉन्डिमेंट्स, कुछ मसाले. मैं बताती हूँ अभी कौन से. मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे सॉसेस हैं तो मैं डालती हूँ जो भी मेरे हाथ में आता है. लेकिन सबसे पहले मैं डालती हूँ डार्क सोया सॉस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, चिंग्स का डार्क सोया सॉस. तो ये मैंने डाला एक चम्मच. देयर इज दिस रेड चिली सॉस, ये मैंने थोड़ा सा डाला अंदाजे से. ये है गार्लिक चिली सॉस, ये भी मैंने थोड़ा सा डाला. अब इन सॉसेस में ना बहुत सारा नमक होता है, इसीलिए नमक ऊपर से बहुत कम डालना चाहिए. और इन चीजों के अलावा आप डाल सकते हैं थोड़ा सा शेजवान सॉस, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक. वैसे जरूरत तो होती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिर्च, ये एडिशनल है. और इसके साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि जीरा पाउडर ज्यादातर इंडियन डिशेज में डलता है, जरूरत नहीं है इतनी. ओके, ये सब हमने डाला, अब हम इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से. तो हम इसे अच्छे से पकने देंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक पाए, और इसको थोड़ा ढक्कन लगा देंगे. Now we are adding a little Szechuan sauce. बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा मसाला ऑलरेडी है, इतना सा. This is मशरूम चिली इन ग्रेवी. अभी ये ग्रेवी है, अगर आप चाहो तो इसे सुखा भी सकते हो या फिर इसको ऐसे ही रख सकते हो. अभी ये प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा और पकना बाकी है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे बंद कर देंगे and let it cook. Okay everyone, बन गया. देखो कितनी भाप आ रही है इससे. This is a quintessential Indian Chinese dish. Mushroom, bell peppers, onion, garlic. Oh God, very tempting. So this is
माई फेवरेट गो टू मील, जो मैं ऐसे भी खा सकती हूँ और मैं चावल के साथ भी खा सकती हूँ. अभी मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रनी रखा है. इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी है, वरना आप इसे पूरा सुखा भी सकते हैं और फिर भी खाने में मजा आता है. और अगर आप चाहें तो इसको बेसन या फिर कॉर्नफ्लावर या फिर मैदे के साथ पहले फ्राई करके और उसके बाद पकाएंगे तो और ज़्यादा क्रंची होगा. बट मुझे वो नहीं चाहिए था, आई वॉन्टेड अ हेल्दी वर्जन. ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें सारे वेजिटेबल्स भी हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो अब मैं इसे इंजॉय करूँगी अपने राइस के साथ. आई एम श्योर बहुत सारे घरों में ये बनता होगा बिकॉज इट्स जस्ट सॉटे वेजिटेबल्स. इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए मैं इसे खा लेती हूँ. जो ये एक टेस्ट टेस्ट जरूर देना चाहिए. सो दिस इज द मशरूम विच इज कुक्ड नाइसली. यम्मी, वेरी यम. अब इसको मैं खाऊंगी चावलों के साथ और ये पूरा का पूरा मैं फिनिश कर दूंगी. आप भी अपने घरों में बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा. आई विल मीट यू इन अनदर व्लॉग. तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. बाय बाय.